शहादत के पर्व मुहर्रम की 9 तारीख यानी कत्ल की रात को संस्कारधानी जबलपुर की गंगा जमुना तहजीब से एक तरफ गणेश चतुर्थी और दूसरी तरफ मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम जुलूस में शामिल हुए और शहर में कौमी एकता का मंजर देखने को मिला। जहां एक और किन्नर समाज कचरिया मनाता है, वहीं ताजिया भी रखे गए, कौमी एकता की मिसाल भी कायम करते हैं। जगह जगह सवारी और ताजियों की धूम से शहर जगमगा उठा। पूरे शहर के ताजिए और सवारी बड़े फौर्रे होते हुए कोतवाली आते हैं, जहां हकीकत मन देखने के लिए इंतजार करते हैं। मुताबिक यौम आशुरा के दिन ही पैगंबरे इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने अपने 72वें जानिसारों के साथ करबला के मैदान में शहादत का जाम नौश फरमाया था। शहीद आजम की बेमिसाल कुर्बानी असत्य पर सत्य के फाटक का ऐलान है। यौमी औशारे के दिन अकीदतमंद रोजा रहकर कसरत से तिलावत करते हैं, वहीं घर घर फातिहा खवानी का एहतमाम किया जाता है। शरीफ का जश्न मनाया जाता है, हजरत इमाम हुसैन को याद किया जाता है। इसमें जो भी मुसलमान लंगर वगैरह का, ईसा अलैहि सवाब की महफिल का एहतमाम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन कमेटियों को और उन तमाम एहतमाम करने वालों को खूब खूब बरकतें अता फरमाए, और उसी तरह से ईमान में उनके हुसैन की मोहब्बत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और अहले बैत अतहार हुसैन की मोहब्बत को ज़िंदा रखे, उनकी नस्लों में ज़िंदा रखे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी व्यवस्था है? पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। अभी कत्ल की रात चल रही है और एक तरफ से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और दूसरी तरफ गणेश भगवान विराजे हैं। जो सांप्रदायिक सौहार्द की जो मिसाल संस्कारधानी जबलपुर में देखी जा रही है, वो अन्य जिलों के लिए, अन्य देश के अन्य कोनों के लिए उदाहरण है। और पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद लगी है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी यदि फैलाएगा तो पुलिस उस पर सख्त निगाह रखी है। सिविल ड्रेस में भी हमारे आदमी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बाकी अभी बहुत अच्छे तरीके से, सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों त्यौहार मनाए जा रहे हैं। ताजिया, हाँ, ये ताजिया हमारी गुरु हाजी अल्लाह रखी के जानिब से 80 वर्षों से इसको रखा जा रहा है। ये 81वीं वर्ष हैगा और हम उनके चेले हैं। हमारे चेले, हम सब मिलके ताजियादारी करते हैं और लोगों को दुआएं देते हैं। ताजिया की दुआ लगती है, इमाम हुसैन की दुआ लगती है, और जिनको औलाद नहीं होती है उनको औलाद होती है, बाकायदा औलाद होती है। आके वो हमारे ताजिया में आके नाल और प्रसाद वगैरह जो भी उनकी तमन्ना रहती है, अपनी जो मनोकामना करते, वो मनोकामना आके भगवान और ताजिया के सामने, इमाम हुसैन के सामने अर्पित करते हैं और दुआएं मिलती हैं उनको। और जब तक हम लोग किन्नर समाज रहेगा, जब तक ये ताजियादारी होती रहेगी। आप लोग तैयारी कब से करते हो, कितने लोग शामिल हैं आप लोग ताजियादारी की? हम लोग विशेष तैयारी तो एक माह से चलती रहती है, लेकिन विशेष तैयारी 15 दिन पहले से तैयारी करने लगते हैं। इमाम बाड़े की साफ सफाई, उताई रखना, झाड़ू, ये वो सब हम लोग अपने तरीके से हर स्तर पे पूरी से काम करते हैं। बहुत बहुत दुआओं से बहुत बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। आपके जो साथी हैं वो जबलपुर के हैं, बाहर से भी सब हमारे चेले हैं, बाहर के भी हैं और शहर के भी हैं, सब अधिकतर शहर के लोग हैं।